मैं भीयन मिश्रा एक बार फिर हाजिर हैं विद्या क्वेश्चन बैंक से मैथ की तैयारी कैसे करें मैं। कल वृत्त खत्म हो गया था और वृत्त के बारे में हम सब जान चुके हैं। अब अगला चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये वृत्त है, वृत्त है तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल मतलब सबसे पहले तो वृत्त का ही क्षेत्रफल आ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का परिमाप सर्कुम्फ्रेंस 2πr, ये है r रेडियस, ठीक है। अब इसके बाद से दो चीज आता है, त्रिज्यखंड क्या है ये इसके बारे में जरा बता दें। देखिए ये त्रिज्या और ये जो चाप है, त्रिज्या और चाप से घिरा क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ना यही है त्रिज्यखंड। तो ये एंगल है थीटा, ठीक है, ये आर है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब या 30 आवे तो 30 बाई रेडियस रखेंगे, इसमें वैल्यू निकलेगा। अब इसके बाद से आता है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या है, कोई भी जीवा किसी भी वृत्त को दो भागों में बांटती है। अब मान लीजिए कि जो सेंटर से होकर जीवा जा रही है तो उसको दो बराबर भाग में बांट दे रही है, लेकिन ये जो है ना तो ये छोटा भाग है, ये क्या है लघु वृत्तखंड। क्या है ये लघु वृत्तखंड, और ये क्या है दीर्घ वृत्त खंड। तो अब यहां आइए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर इसका फॉर्मूला है आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2, ठीक है। पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2, ये थीटा क्या है, ये थीटा क्या है, वही एंगल है जो वह केंद्र पर बना रही है। बात समझ में रही है? अच्छा, अब त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, ये है त्रिज्यखंड पूरा, तो यही है चाप की लंबाई, ये होता है थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई परिधि, यानी कि 2πr। और त्रिज्यखंड का परिमाप ध्यान दीजिए, परिमाप बराबर होता है 2r प्लस थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2πr। ये आपका हो गया फार्मूला। अब देखिए, यदि थीटा त्रिज्यखंड का कोण हो व आर वृत्त की
त्रिज्या है तो क्षेत्रफल बराबर तब क्या होगा, 1/2 एल आर। अब ये क्या है, जहां यल चाप की लंबाई है। अब चाप की लंबाई बराबर ये होता है, ठीक है, तो थीटा बाई 360, देखिए यहाँ 1/2 थीटा बाई 360 2πr, देखिए मल्टीप्लाई 2πr और यहाँ r। तो अब ये देखिए कि ये इतना आ जा रहा है, 2 से 2 कट गया। अब πr² थीटा बाई 360 ये आ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया फार्मूला। इस फार्मूले को पहले लर्न करेंगे, फार्मूला लर्न करें, बार बार कहते हैं फार्मूला को लर्न कर जाइए, तब क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आता है, समझाने में भी मज़ा आता है, समझने में भी मज़ा आता है। तो आज बस इतना ही, आप फार्मूला लर्न करें। धन्यवाद।